किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये है G9 केले की खेती जो आप देख रहे हैं। और इसमें देखिए सेकेंड बार इसको तैयार किया जा रहा है, फर्स्ट बार कटने के बाद इसमें कौन कौन से खाद डाले जाते हैं। बहुत से हमारे किसान भाई है जो पूछते हैं कि आप कौन से खाद का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका केला जल्दी ग्रो होता है और हमारे केले हैं जो इतना मेहनत करने के बाद भी ग्रो नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है और कौन से दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं। सर आपका नाम? आरती कुशवाहा। सर जैसे ये जो केला है आप सेकेंड बार इसको तैयार किए हैं तो इसमें कौन सा खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि आपका केला अभी काफ़ी ग्रो हो चुका है मार्च के महीने में? इसे मार्च के महीने में अभी हम जो है इसको जो है कुड़ाई करवाए हैं। कुड़ाई करवा करके इसमें जो है DAP, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये अभी कुड़ाई हुआ है, इसमें खेत में कुड़ाई होने के बाद इसमें जो है कुड़ाई करके उसमें DAP और दो बोरी जो है और दो बोरी पोटास और एक बोरी यूरिया और सल्फर मिलवा करके पूरी खेत में हम फैलवा दिए हैं, छिटवा दिए हैं। उसके बाद से कुड़ाई करवा करके उसके बाद से दो चार दिन बाद इसमें पानी फिर चलाना शुरू कर दिए हैं जो है। अच्छा। अभी पानी चल रहा है इसमें जो है। जो खाद है वो कुड़ाई कराने से पहले डालना है या कुड़ाई करा के डालना है? नहीं, पहले छिटवा दीजिए उसके पूरे खेत में, उसके बाद से तुरंत कुड़ाई करवा दीजिए, उसी दिन सेम डे कुड़ाई करवा दीजिए, मिट्टी मिल जाएगा। क्योंकि DAP खाद जो है, फास्फेटिक खाद जो है मिट्टी के अंदर जाना चाहिए, यूरिया है तो ऊपर भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके साथ DAP और पोटास और यूरिया जो है एक बोरी डलवाए हैं, दो बोरी DAP डलवाए हैं, दो बोरी पोटास डलवाए हैं और सल्फर भी थोड़ा डलवा दें हैं, 2-3 किलो सल्फर भी डलवा दिए हैं इसमें जो है। जो सल्फर वर्क है कि खाद को जो है एकत्रित करके पौधों तक पहुँचाने का काम करता है, इसलिए सल्फर भी डलवा दिया जाता है। ये डलवा करके पूरा कुड़ाई करवा करके और फिर सिंचाई हम करवा दिए इसको जो है। तो ये जो भी खाद है ये दुकान पे आसानी से मिल जाता है? हाँ, यहाँ इफ्को का सेंटर है, इफ्को से हम ले लेते हैं, जो कोई दिक्कत नहीं है। इफ्को में नहीं रहता है तो प्राइवेट दुकान से भी हम DAP और पोटास ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खाद। तो प्राइवेट अगर दुकानों से लिया जाता है तो क्या रेट का फर्क पड़ता है? थोड़ा सा महंगा पड़ता है, प्राइवेट दुकान 10-20 रुपये अधिक लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो खेती करना है तो 10-20 रुपये के लिए कोई माने नहीं रखता है। तो ये अगर आपको किसान भाई जो खाद है अगर आपको अपने केले में डालना है तो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इफ्को में टाइम से अगर नहीं मिलता है सरकारी जगहों पे तो आप प्राइवेट से लेकर और आपने खेत पे पूरे ध्यान देना है, पूरे वर्क करना है, तभी आपका केला जल्दी ग्रो होगा। क्योंकि सर ये जो केला है, आप इस एरिया में मैंने बहुत सारे केले देखे जहाँ पे जितना आपका केला अभी ग्रो है दूसरी बार में, बहुत से लोग लगाए हैं जो कि फर्स्ट बार में इतना ग्रो नहीं हुआ। ऐसा देखिए, रेगुलर जब काम होता रहेगा, रेगुलर इसमें खाद और पानी दवा की स्प्रे होता रहेगा तो ग्रोथ तो होना ही है जो है, तो रुक नहीं पाएगा। जहाँ लापरवाही की, आप सोचे चलिए लेबर नहीं मिल रहे हैं या पैसा होगा तो हम कराएंगे, तब तो फिर खेती नहीं हो पाएगा बढ़िया से जो है, और बढ़िया से ग्रोथ नहीं हो पाएगा जो है। रेगुलर इसमें काम होना चाहिए एकदम टाइमली, जैसे आदमी के लिए दवा की आवश्यकता है जितनी टाइमली, उस तरह से पौधों को खाद पानी और दवा की आवश्यकता है। इसको बराबर वर्क करते रहना तभी टाइम से तैयार होगा और टाइम से मार्केट। बराबर वर्क नहीं करेंगे तो फिर टाइम से तैयार नहीं हो पाएगा जो है। और जैसे पूरा कंप्लीट जब केला आपका तैयार होता है कटने के समय तो आपको क्या मार्केट जाना पड़ता है इसको बेचने के लिए? मार्केट जाने का हमें आवश्यकता नहीं पड़ता है जो है, कभी भी जो है, इसलिए ग्राहक हमको यहीं आते हैं, खेत में ही आ जाते हैं और केला देख लेते हैं, केला आपका तैयार हो गया है, रेट तय हो जाता है, अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, कटवा लेते हैं, चले जाते हैं, अपने को पैसा हमको खेत में ही देते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप G9 केले की खेती करते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बराबर उस पर मेहनत करना है और आप घर बैठे कमाएंगे लाखों। क्योंकि जो G9 केले की खेती है इसमें आप सुबह या शाम दोनों टाइम में आपको 1-2 घंटे काम करने होते हैं और साल में जो इनकम होता है, कितने साल में ये कटता है? ये पौधा लगाने के कंप्लीट जो हो जाता है करीब 14-15 महीने में कटकर तैयार कट जाता है। तो ये 14-15 महीने में एकदम कट के कंप्लीट तैयार हो जाएगा और उसके बाद आपको काफ़ी इनकम होता है इस केले से। अभी तक आपने जितनी बार केला लगाया है क्या कभी नुकसान हुआ है आपको? अभी तक तो मेरा नुकसान नहीं होता है। अच्छा। प्राकृतिक अभी साथ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी नुकसान नहीं मेरा नहीं होता है। प्राकृतिक आपदा हुआ, कभी बहुत तूफान और आंधी वगैरह हुआ मई के महीने में,
किले उसमें गिर जाते हैं, लेकिन अभी तक मेरे साथ ऐसा घटना नहीं हुआ है। और पत्थर वगैरह पड़ते हैं उससे भी नुकसान होता है, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है कभी। तो ये था किसान भाई जो अभी आप लोगों को बताया गया कि कौन से खाद का इस्तेमाल किया जाता है जीनाइन केले की खेती जो आप देख रहे हैं ये, और तभी ये केला जो है जल्दी से जल्दी ग्रो करता है और मार्केट में जाता है। तो इस पर क्या है कि बराबर वर्क करते रहना है, जो सर ने आप लोगों को बताया और कैसे क्या प्रोसेस है सारा आपको बताया गया। तो किसान भाई यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं वो आपको मिलता रहे और ज्ञान बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।